ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल सिंह कौशल पूर्व प्रत्याशी नाचन कांग्रेस एवं पूर्व पीसीसी सदस्य द्वारा विश्राम गृह बग्गी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी पर फिजूल खर्ची को कम करने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। रोजाना खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। सस्ते राशन के डिपो में राशन का कोटा भी कम हो गया है, जिसके चलते गरीब आम आदमी को मानसिक व आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जबकि प्रदेश सरकार मौज मना रही है। लाल सिंह कौशल पूर्व प्रत्याशी नाचन कांग्रेस एवं पूर्व पीसीसी सदस्य द्वारा विश्राम गृह बग्गी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी व फिजूल खर्ची को कम करने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। रोजाना खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। सस्ते राशन के डिब्बों में राशन का कोटा भी कम हो गया है, जिसके चलते गरीब आम आदमी को मानसिक व आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जबकि प्रदेश सरकार मौज बना रही है। नाचन विधानसभा के विधायक विनोद कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता में 7 वर्ष का कार्यकाल हो गया है, लेकिन वे नाचन के लिए कोई भी नया प्रोजेक्ट मंजूर नहीं करवा पाए और झूठी वाहवाही के लिए पुरानी योजनाओं पर अपनी पट्टी का लगाकर उद्घाटन करने में मशगूल हैं। यही नहीं, पूर्व में रही कांग्रेस सरकार के समय बनी सड़कों के भूमि पूजन को नई परंपरा का जन्म दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत रविवार को नाचन की हटगढ़ में जनमंच कार्यक्रम का सरकार द्वारा आयोजन किया गया। कार्यक्रम जनता के लिए नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं को मंच बनकर रह गया था। उन्होंने कहा कि जनमंच पर लाखों रुपए सरकार सरकारी राजस्व से खर्च कर रही है, जबकि जो प्रमाण पत्र व अन्य समस्या लोगों के कार्यक्रम में हल की जाती है वे बेखूबी कार्यालयों में किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अधिकारियों को अपनी दौंस जमाने और जनता को अपने रहमो करम का एहसास करवाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि 1 घंटे के सफर को 2 घंटे लग रहे हैं। प्रदेश मुख्यमंत्री उड़न खटोले से ही हवा में उड़ रहे हैं। उन्होंने छात्र में गरीब परिवार के आशियाने को विभाग द्वारा उखाड़े जाने की भी निंदा की है और सरकार से बेघर हुए परिवार को शीघ्र नया मकान बनाकर प्रदान करने की मांग की है। इस अवसर पर उनके साथ सिद्धू राम भारद्वाज, पूर्व उपाध्यक्ष चिंता राम शास्त्री, पूर्व महामंत्री लेखराज, पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस दीपक गुप्ता सहित राकेश कौशल, उप प्रधान दियारगी भी मौजूद रहे। इसमें जाते हैं कि जो कांग्रेस कार्यकाल में जो सड़कें हैं, हमारे यहाँ रजवाड़ी से छमार तक की सड़क है, हमारी डोडो ढाबण की सड़क है, हमारी देवीदर से हमारी देवीदर से लेकर जहल तक की जो सड़क है, सभी सड़कों की इतनी दयनीय हालत है कि लोगों को सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया है। अब 2 वर्ष के कार्यकाल में लोगों में बड़ी निराशा है, बड़ी हताशा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मंडी जिला की सड़कों की दुर्दशा इतनी खराब है, आज आप सलापड़ से लेकर मंडी तक जहां हमें 1 घंटा लगता था, वहां हमें 1.5 और 2 घंटे मंडी पहुंचने के लिए लगते हैं। बड़ी दुर्भाग्य है मंडी जिला के लोगों का। आज जहां मंडी जिला की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सड़कें भूल गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उड़न खटोले में आते हैं और उड़न खटोले में ही शिमला में चले जाते हैं। जहां नाचन चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, आदरणीय विनोद कुमार जी जो यहां के विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इससे पहले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी यहां कोर्ट में आए थे, उन्होंने बहुत सारी सड़कों के उद्घाटन किए। जो सड़कें 15-15 साल से कांग्रेस के समय में चल रही है, उसमें मुख्य सड़क हमारी ढाबन से लेकर के हमारी तमरो चौतरा तक की जो सड़क है, वो 15 साल से उसमें गाड़ियां चल रही है, लेकिन वहां कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। अभी 15-20 दिन पहले स्थानीय विधायक जी आए, अब नया सिलसिला जारी हो गया, जो कांग्रेस के समय की सड़कें हैं उनके भूमि पूजन किए जा रहे हैं।